ओ भैया क्या हाल है, ठीक हो? दोस्तों ये देखो जी वैगन के ऊपर कितने सारे टिकट्स लगी हुई हैं। भाई ये बंदा स्माइल भी नहीं करता, ये एक्सप्रेशन ही नहीं देता। टार्जन नवंडा का मिल के भाई लेम्बोर्गिनी के बेस में अजय देवगन भी अंदर बैठा होगा। पायरेट्स के टाइम की शिप है भाई ये, जिस चीज के लिए लंदन जाना जाता है। अब मैं आपको फोन दिखाऊं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। आपके सब अच्छे होंगे। तो भाइयों आज तुम्हारा भाई जा रहा है लंदन में, ठीक है, अपने भाइयों के साथ जा रहा हूँ। ये हमारे संदीप भी है और ये हमारे भाई जोबन भी है, ठीक है, इनके साथ जा रहा हूँ मैं लंदन, ठीक है, घूमने के लिए। तो इस वीडियो के तीन पार्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो तीनों के तीनों पार्ट मिस मत करना। ये पहला पार्ट है और दो और पार्ट आने वाले हैं इस वीडियो के, तो मेक श्योर आप लास्ट तक देखना वीडियो को और अगले दो पार्ट भी जरूर देखना, मिस मत करना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आई एम डैम श्योर। तो चलते हैं, जल्दी से बस पकड़ते हैं। भाइयों ये हमारी बस है, ठीक है, नेशनल एक्सप्रेस की। तो भाइयों हमने बस की टिकट कराई थी, हमको पड़ी 10 pounds पर पर्सन एक साइड की, ठीक है, तो लगा लो 30 pounds लग गए हमारे सिर्फ लंदन जाने में, ठीक है। तो अभी हम बस जाने वाले हैं। और बताओ भैया सुबह के 3:30 बजे कैसा लग रहा है उठ के? 2 बजे उठे हो तब से, ठीक है, सुस्ती पड़ी है, सुस्ती पड़ी है। आपका क्या सीन है? बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर मिलता हूँ सीधा लंदन में, चलो। भाई हम लंदन पहुंच चुके हैं फाइनली। भाई मेरी नींद पूरी हो गई है फाइनली भाई, 1.5 घंटा सोली जितना भी। 9:30 खुलेगा, कोई चक्कर नहीं, हम 9:30 पहुंच जाएंगे। कौन सा पार्क बोल रहा था वो? बकिंगम पैलेस का सोचा था, बट वो तो भाई 9 बजे खुलेगा, 9:30 बजे शायद। तो फिर वो बोल रहे हैं कि भाई ये प्लान कैंसिल कर रहे हैं, अभी हम जाएंगे फिलहाल हाइट पार्क में। दोस्तों ये देखो जी वैगन के ऊपर कितने सारे टिकट्स लगी हुई हैं। टिकट्स का मतलब है बहुत सारे चालान लगे हुए हैं। दोस्तों मैं सब कार चेक करते रहो यार, मेरे को मॉडल पता नहीं है। ये देखो भाई प्रॉपर साइकिल्स का वे बनाया हुआ है, मतलब गाड़ियों का भी इशू नहीं है, बट क्रॉसिंग है सिर्फ गाड़ियों के लिए, मेन भाई साइकिल वालों के लिए है। ये देखो ये पूरा का पूरा जो रोड है ना साइकिलिस्ट के लिए बना हुआ है, वो लास्ट तक भाई चलता ही जा रहा है। फिलहाल हम हाइट पार्क में आए हैं, मैं यहाँ पे पहले कभी आया नहीं हूँ हाइट पार्क में, बट हाँ इससे इसके पास से गुजरा जरूर हूँ, बट इसमें आया नहीं हूँ, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ हाइट पार्क में है क्या क्या। ये देखो भाई कितना मस्त है, चलो भाई लेक आ गए हम, मैं आपको एक बार लेक दिखाता हूँ ये वाली, ये चेक करो। ये देखो भाई ये है भाई हाइड पार्क। तो भाई ये है भाई हाइड पार्क, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये एक लेक यहाँ पर है और एक पॉन्ड है कहीं पे, पता नहीं इसके आ गई है कहीं पे, पॉन्ड सही है वैसे तो, इससे तो थोड़ा छोटा ही है, वैसे तो काफ़ी अच्छा है मॉर्निंग वॉर्निंग में आने के लिए, तो भाई बहुत सही है ना। अब हम कोई और नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं, आ जाओ चलो। गुड मॉर्निंग, सो मच फ्रेंडली, बाय बाय। चलो भाई अब हम जा रहे हैं बकिंगम पैलेस, हाइड पार्क हमने देख लिया है, कुछ खास तो था नहीं, बट ठीक ठीक है, थोड़ी हाई पे इसकी कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं ऐसा सुनने में आया, बट एनीवेज अब हम जा रहे हैं बकिंगम पैलेस। सुबह हमको पता है कि 9:30 बजे खुलता है, बट ऑब्वियसली अंदर तो हमने जाना है नहीं बकिंगम पैलेस के, तो हम बार बार से देखेंगे फिलहाल, तो फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, देन हम दूसरी डेस्टिनेशन में चलेंगे। चलो टार्जन नवंडा का मिल के भाई लेम्बोर्गिनी के बेस में अजय देवगन भी अंदर बैठा होगा। भाई ये चीज़ चेक करो भाई कितना मस्त है भाई, बिल्कुल भाई इंडिया गेट की कॉपी है ये, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश। ये भाई बकिंगम पैलेस पहुंच गए हम, बकिंगम पैलेस का रास्ता, ठीक है। ये चीज चेक करो, ये देखो भाई बकिंगम पैलेस, भाई कितना बड़ा और कितना सुंदर है यार। अभी आपको फ्रंट साइड से दिखाता हूँ, रुक जाओ। बकिंगम पैलेस भाई। ओ भैया क्या हाल है, ठीक हो? हमने भैया को एक ऐसा टास्क दिया हुआ है कि भाई फॉरनर लड़की के पास जाना, उसको बोले हमारी फोटो क्लिक कर, हो गया भैया हमारा। भैया पीआर ले ली, भैया ने पीआर ले ली भाई, बकिंगम पैलेस ने पीआर ले ली, भाई ये देख लो बकिंगम पैलेस मस्त है ना। तो भाई अब हम जा रहे हैं कौन सा स्क्वायर, ट्रफल स्क्वायर जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे काफी सारी इंडियन मूवीज की शूटिंग हुई है, मेरे को ऐसा भैया कह रहे हैं, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे भाई पिकाडिली सर्कल, ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे लंदन आई, लंदन आई का मतलब है वो अपना बिग बेन, ठीक है। लंदन ब्रिज भी देखेंगे, टावर ब्रिज भी देखेंगे, मिलेनियम ब्रिज भी देखेंगे, आपको बहुत सारे ब्रिजेस में दिखाने वाला हूँ, और आपको और भी 3-4 चीज़ें ऐसी दिखाने वाला हूँ जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी, तो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बने रहिए वीडियो के साथ। चलो भाई वो देखो भाई कैसे लग रहे, कोई तगड़ा भाई साहब, कितना मस्त है यार, ब्रिज पे आके फोटो खींचते हैं। फिलहाल तो ट्रफलगर स्क्वायर जा रहे हैं अभी हम, फिर उसके बाद हम जाएंगे पिकाडिली सर्कल, फिर उसके बाद म्यूजियम भी है यहाँ पर, म्यूजियम भी दिखाऊंगा, और भी 2-3 चीज़ें हैं आपको दिखाऊंगा, और एक तो बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है
जिस चीज के लिए भाई मैं वेट कर रहा हूँ। स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं फिर से कह रहा हूँ स्किप मत करना। चलो अब चलते हैं, जल्दी से आपको दिखाता हूँ, मेरे से भी वेट नहीं हो रहा। चलो ये देखो, ये बकिंगम पैलेस सामने भाई, कितना सुंदर है यार, कितनी ग्रीनरी है। चलो जॉन इंग्लिश मूवी का नाम है, ठीक है, मिस्टर बीन की। वो पीछे देख रहे हो गया, बकिंगम पैलेस आपको दिख रहा होगा भाई, वहीं पे जो शूट है ना उसी मूवी का, वो यहाँ पे वो सीन शूट हुआ है ना, कितना इंटरेस्टिंग। ये देखो भाई, किंग जॉर्ज VI और ये है क्वीन एलिजाबेथ। चलो तो भाई, अभी आपको शो थोड़ा सा आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी, मैं माइक बहुत ही ज्यादा जल्दी खरीदने वाला हूँ, तो उसके बाद से आपको आवाज भी ज्यादा अच्छी आने लग जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं टेस्को में भाई, टेस्को से कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं भाई, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं भाई लंदन ब्रिज, वैसे उसका नाम लंदन ब्रिज है नहीं, उसका नाम है टावर ब्रिज, बट उसको पूरी दुनिया भाई लंदन ब्रिज के नाम से जानते हैं, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन चलो, ये मिथ मैं आपका सबका क्लियर कर दूंगा कि लंदन ब्रिज कौन सा और टावर ब्रिज कौन सा। आ जाओ। तो भाइयों यार, मैं अभी रास्ते में था ही, मेरे को एक मेरे सब्सक्राइबर भाई मिल गया, भाई क्या बात है, जम्मू से यार बड़ा प्यार मिलता है, जम्मू की बहुत याद आती है। भाई को सपोर्ट करना पूरी। थैंक यू सो मच। और सब ठीक ना? बढ़िया अच्छी बात है। और रोटी भाई यार बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आप सब मिलते हो ना, इतनी खुशी होती है ना, लाइक एक्साइटमेंट लेवल लाइक ऑन द पीक यार, बहुत अच्छा लगता है सब, जब आप सब सब्सक्राइबर्स मिलते हो, इतना प्यार दिखाते हो। लेकिन हम सब्सक्राइबर नहीं यार, मेरे भाई हो, मेरी फैमिली हो यार, ठीक है। तो चलो, ज्यादा इमोशनल नहीं करता हूँ, चलते हैं सीधा घंटा घर, बोलूंगा मैं तो उसको, क्या बोलते हैं, बिग बैन, बिग बैन जा रहे हैं। बिग बैन आपको भाई देख के पता चलेगा कि वो है क्या चीज़। चलो भाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ, सीधा बात कम करूँगा, आपको चीज़ें दिखाऊंगा। चलो भाई, सफ़र तो बहुत लंबा है, लेकिन पेट पूजा भी हो जानी चाहिए, साथ साथ भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, कुछ पकड़ रहे हैं ऐसे खाने के लिए, और चलते हैं भाई। फिलहाल तो भाई ट्रैफिकल जो भी है भाई, मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही है, आप समझ जाओ, बस वहाँ पर हम जाने लगे हैं, पहले कुछ खाने के लिए लेते हैं और फिर चलते हैं ट्रैफिकल स्क्वायर में, अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। कोशिश तो ये रहेगी कि हम अंदर जाके अच्छे से एक्सप्लोर करके बताएं, बट हम एक ही दिन के ट्रिप के लिए निकले हैं, तो शायद से मैं वो अंदर जाके ज़्यादा एक्सप्लोर ना कर पाऊँ, बट कोशिश तो ये रहेगी। चलो चलते हैं। चलो भाई, सामान वान हमने ले लिया है, यहाँ पे जा रहे हैं भाई, ट्रैफिकल स्क्वायर, ऐसा ही है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख दूंगा, आप देख लेना, ट्रैफिकल स्क्वायर करके है इसका नाम, ठीक है भाई। यहाँ पे बैठ के मस्त आराम से खाएंगे, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। ये देखो भाई, ये भाई यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा, भाई शेर का साइज देख रहे हो भाई साहब, बहुत सुंदर है भाई, ये भी एकदम बकिंगम पैलेस की तरह सुंदर है भाई, बहुत। चलो भाई, इसके अंदर चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। वो भाई लाइन देखो, एक बार लाइन देखो, आपको लग रहा होगा कि हम वीकेंड्स पे आए हैं ना, बट नो ब्रो, इट्स अ वीकडे, हम वीकडे पे आए हैं और स्टिल इतना रश है, देख रहे हो। ये देखो भाई, बहुत ज्यादा रश है भाई, बहुत ज्यादा रश है। इधर तो हम जाने से रहे भाई, यहीं पे प्लान कैंसिल करना पड़ेगा हमको, नहीं तो हम लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज, वो सब चीजें मिस करने वाले हैं, हद से ज्यादा रश है, प्लान यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं भाई। चलो जल्दी से अब हम लंदन आई चलते हैं, कार्डिया सर्कल जाने का मतलब है नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ है नहीं देखने लायक, सिर्फ एक कर्व्ड LED है जो वहाँ पे है, जो कि लाइक न्यूयॉर्क में भी है, मैं एक वीडियो दिखा दूंगा यहाँ पे, मैं पोस्ट कर दूंगा कि वो इस तरह का दिखता है पिकार्डिया सर्कल, मैं पहले भी वहाँ पे गया हूँ, तो मैं वीडियो यहाँ पे चढ़ा दूंगा, आप देख लेना। जाने से पहले भाई पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ना, पेट पूजा फिर काम दूजा है ना भाई, एनर्जी रहेगी तो फिर बोल पाऊंगा नहीं तो थक जाऊंगा, क्या फायदा है ना। चलो जल्दी से खाते हैं। One eternity later. तो भाइयों, अभी मैं हूँ हैरी पॉटर के इलाके में, ये देखो भाई हैरी पॉटर की जो स्टिक्स थी, जिससे वो करता विंगार्डियम लेयूसा, इससे करता था। मैं ज्यादा ये नहीं दिखा सकता भाई, इन्होंने गाने लगाए हैं, मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। किंग क्रॉस स्टेशन, जहाँ से भाई हमारा हैरी पॉटर भाई जाता है हर बार होता है भाई साहब, कितना सही है यार, कितना ये एक्चुअल में रियल लग रहा है, बहुत ज्यादा पता है। वो सामने आपको दिख रहा होगा बिग बेन, ये देखो भाई बिग बेन, जहाँ पे भी हम जाने वाले हैं, जो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, अब हम वहीं पे जाएंगे।
मुझा तो आई नहीं होती है यार भाई। ये तो भाई केविन हार्ट तो भाई एक्चुअल मेरा फेवरेट एक्टर है भाई हॉलीवुड में एक्चुअल में भाई। ये बिल्डिंग बहुत सुंदर लगती है, ये ना वहां से मैंने एक बार फोटो क्लिक की थी, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा भाई। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है रात के टाइम में। दोस्तों वो देख रहे हो वो बंदा, वो उनका पुलिस ऑफिसर जो भी है इनका आर्मी वाला। अभी हम इसको परेशान करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही करेंगे, नहीं तो भाई हम पे कार्रवाई हो जाएगी, हमको इनकी गवर्नमेंट हमको परेशान करेगी फिर बाद में। क्या होता है रिस्पॉन्स कर दे, ये करते तो नहीं है बट लेट्स सी भाई। ये थोड़ा सा रिस्क लेके जाते हैं कि लात वात ना मार दे, घोड़ा भाई लिखा भी है यहाँ पे। चलो भाई चलते हैं। भाई ये घोड़ा भाई दिखने में छोटा लग रहा है, 7 feet नॉर्मल इसकी हाइट होगी जेन्युइनली। भाई ये बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। कुछ तो बोल भाई, ये बंदा स्माइल भी नहीं करता, ये एक्सप्रेशन ही नहीं देता भाई। आज का शाउट आउट इनको, नाम मेरे को पता नहीं ना ये इंसान बोलता, ये मैं भाई क्या बोल सकता हूँ। बाय ब्रो, बाय बाय। बहुत सारी चीजें भाई आज एक्सप्लोर करने लायक, जल्दी से भाई जल्दी जल्दी पहुंचते, टाइम बहुत कम है, टाइम ऐसे निकले। चलो भाई ये चीज देखो यार, एक बार ये चीज देखो, ये देखो भाई। अभी जिस मैं घंटा घर की बात कर रहा था, थोड़ा बहुत से ज्यादा आइडिया तो आपको हो ही चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैं किस चीज की बात कर रहा था, पिक पेन की। आज दिखाता हूँ ये देखो भाई, बिग बेन। भाई वो वीक डेज पे भी बहुत ज्यादा रश होते हैं। अभी हम बिग बेन पे थे भाई, बिग बेन इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना भाई साहब, क्या ही बताऊँ आपको, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। अब हमने यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक तो कर ली है बहुत सारी, अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज, मिलेनियम ब्रिज, जो बिग बेन है मेरे बैक साइड है आपने देख लिया होगा है ना। तो अब मैं आपको बाकी सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ, सो बने रहेगा वीडियो के साथ। भाई साहब यार कितना मज़ा होता होगा यार इसमें। नहीं तो भाई हम यहाँ से जाने लगे हैं मिलेनियम ब्रिज, और उसके बाद हम जाएंगे टावर ब्रिज, देन उसके बाद हम जाएंगे भाई आगे अपने एडवेंचर आइलैंड पे, ठीक है। बट उससे पहले हमको एक मेट्रो पकड़नी है, ठीक है। मेट्रो पकड़ के हम जाएंगे सीधा एक नई जगह पर, बिल्कुल डिफरेंट, और आपको भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, और हैरी पॉटर वाली जगह भी आपको मैंने दिखा ली। चलो ये देखो भाई, बिग बैन दूर से कितना ज़्यादा सुंदर लगता है ना। आज भाई रश भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इस टाइम आधे से ज़्यादा दुनिया तो भाई काम पे होती है, लेकिन आधे से ज़्यादा दुनिया लग रहा है आज भाई छुट्टी मनाने के लिए आई है भाई, बहुत ज़्यादा रश है आज भी। भाई ये झूले के भाई नीचे आ गए हम, कितना बड़ा है भाई ये, जेन्युइनली बहुत बड़ा है आ रही है भाई। अब जल्दी से पहुँचे यहाँ टावर ब्रिज, टावर ब्रिज आपको दिखाता हूँ जल्दी जल्दी से, फिर उसके बाद मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे हैरी पॉटर की शूटिंग हुई थी, वो भी जगह दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एक नई जगह पर चलेंगे। चलो भाई इस झूले को ही लंदन नहीं बोलते हैं पता आपको। भाई ये लड़की सच में कितना अच्छा गाना गा रही है। अभी जो सही आपको व्यू दिखेगा वो आपको भाई टावर ब्रिज से दिखेगा। भाई टैलेंट तो बहुत है यहाँ पर भी, इंडिया में वो तो बस एक्सप्लोर नहीं कर पाता बंदा, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता इंडिया में अपने टैलेंट एक्सप्लोर करने का लोगों को, तो यहाँ पे लोग प्लेटफॉर्म जा खड़े होते वही पे बना लेते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ के लोगों को। पायरेट्स के टाइम की शिप है भाई ये, ये चेक करो भाई इसके भाई पैसे लेते हैं, 6 pounds पर पर्सन लेते हैं भाई ये लोग। ये बहुत बड़ी शिप है, मैं आपको एक बार यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये देखो भाई, इस बंदे ने कपड़े भी वैसे पहने, देख रहे हो। देखो भाई कैसे इसको फिक्स किया हुआ ताकि गिरे ना, नहीं तो भाई गिरने में तो मिनट ना लगाए। चलो चलते हैं अगली जगह पे। वो देखो भाई शार्ट बिल्डिंग, ये रात के टाइम में ना भाई बहुत सारे कलर्स के साथ ग्लो करती है, बहुत अच्छी लगती है रात को। ये है भाई लंदन ब्रिज, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है वो देखो, ये आगे भाई लंदन ब्रिज, वो आगे शार्ट बिल्डिंग। अब जाना हमने भाई सीधा टावर ब्रिज पे, लंदन ब्रिज में देख लिया, जल्दी चला उससे जाने से पहले एक व्यू देखो।
ये देखो भाई दो दिन का ट्रिप होता ना तो मैं लाइक हर एक जगह जाकर आपको एक्सप्लोर करके दिखाता, ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। अभी तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, एक टाइम ऐसे भी आएगा अच्छे से एक्सप्लोर करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन हाँ अभी फिलहाल देखना ही ठीक है, क्योंकि यार एज ए स्टूडेंट बजट इतना नहीं होता कि हम हर जगह जा जाके आपको दिखा सके। पैसे हैं लेकिन इतने नहीं है कि हम हर जगह जा जाके आपको बताएं। बजट का इशू नहीं है, टाइम का इशू है। फिलहाल तो टाइम का इशू है, पैसे तो हम ठीक ठाक लेकर आए हैं ताकि लाइक हम मैक्सिमम जगह एक्सप्लोर कर पाएं, बट टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि अगले दिन पर शिफ्ट भी है, सबको काम वाम पे भी जाना है, तो सब भाई वो सब चीज़ें मैनेज भी करनी है, तो वो चीज़ें भी हमको सब देखना पड़ता ना। बट भाई ये देखो भाई, ये चीज़ भी देखो, ये एक्चुअली में बाहर है, ये पता है ये बाहर है, बहुत सुंदर है भाई। ये देखो भाई ये जो शिप है ना, इतनी बड़ी शिप है यार, रुको मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इतनी ज्यादा बड़ी शिप है भाई। इस बंदे ने पता क्या बोला कि ये जो शिप है ना, ये कोई ये जो बैटल शिप है भाई, ये यहीं पे खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि भाई ये म्यूजियम है पहली बात, और दूसरी बात ये भाई टावर ब्रिज के नीचे से नहीं जाते क्योंकि भाई ये म्यूजियम है, ये चलता ही नहीं है। ये यहीं पे खड़ा रहता है, और इसके लिए भाई 25 पाउंड की टिकट है स्टूडेंट्स के लिए, और जो नॉर्मल एडल्ट है भाई वो भाई उनकी 28 पाउंड की, 28 पाउंड की, ठीक है। आई डोंट थिंक कि यार ये वर्थ इट है, बट हाँ एक बार पहले एक बार एक्सपीरियंस करके भाई बहुत चाहिए। मेरे को बिल्कुल मन नहीं भाई म्यूजियम एक्सप्लोर करने का, अंटी ने वहाँ पे हमारे एंशियंट चीज़ें हों, ठीक है। तो भाई यही था जो था। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ के लिए लंदन जाना जाता है ना, अब मैं आपको वो दिखाऊं। भाई दिल थाम के बैठो, नहीं बैठो तो एक बार अच्छे से बैठ दूंगा, गिर ना जाओ भाई, उसकी तो जैकेट गिर गई भाई। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ दर्शकों, जिसको आप लंदन ब्रिज बोलते हैं, लेकिन लंदन ब्रिज नहीं है, टावर ब्रिज है, पहले ही बता दूंगा आपको। अरे भैया हमारा ऐसे खड़ा हुआ है फुटेज लेने के लिए, चलो कोई ना, आपको वॉच टाइम मिल जाएगा थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। अच्छा यार बहुत अच्छा, और ये व्यू चेक करो यार, बहुत ही ज़्यादा इंसेन है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। डे टाइम में भी अच्छा लग रहा है, मैं तो नाइट के टाइम आया था, डे टाइम में भी बहुत अच्छा लग रहा है यूके भाई, सच में बहुत सुंदर लग रहा है लंदन, नो डाउट भाई। ये वाला डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है वैसे। अब चलते भाई सीधा टावर ब्रिज के ऊपर, चलो ऊपर नहीं नीचे ही, वैसे ऊपर नहीं जा रहे हम, नीचे जा रहे भाई। वो देखो पैलेस भी है भाई, पता नहीं कौन सा भाई, कितना सुंदर लग रहा है यार। आप ना ऑनलाइन ऊबर से आप बोट पे बुक कर सकते हो, तो आप बाय बोट भी आप ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ पे घूम फिर सकते हो, बहुत सुंदर है। क्योंकि भैया ने बॉटल पता नहीं कहाँ फेंक दी, मिल गई बॉटल, चोरी की बोतल लेके आया ऐसे कर रहे चोरी की बोतल सही है, सब मजे में यार, सारे के सारे लोग खुश है, कोई रो नहीं रहा, कोई कुछ नहीं, सब खुश है, सब स्माइल कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, और क्या ही चाहिए यार, है ना। और सामने भाई फिर टावर ब्रिज है, इतना अच्छा लंदन की शान भाई, और ऊपर से भाई प्लेन जा रहा है, क्या ही बात है भाई, ऊपर से वेदर भी इतना अच्छा, बारिश भी नहीं हो रही है, मस्त मौसम है भाई, क्या ही वाइब है यार, मजा आ गया। ये देखो भाई कितना सुंदर लगता है। अब यहाँ से सीधा हम इसके ऊपर जाएंगे टावर ब्रिज के ऊपर, और उसके बाद हम ट्रेन पकड़ेंगे और सीधा जाएंगे हम नई जगह पे, एक डिफरेंट लोकेशन पे, और वो बिल्कुल लेके आप खुद सरप्राइज हो जाओगे लिटरली भाई। वहाँ कहीं और जाने से पहले मैं आपको भाई सीधा टावर ब्रिज के भाई नीचे लेके चलता हूँ, जिसके लिए भाई दुनिया पागल होती है। ये देखो क्या ही भाई यार, मजा आ गया यार, जरूर से जो भी लंदन आ रहे हो भाई, यहाँ पे अगर नहीं आ रहे हो ना तो भाई टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे जरूर आओ भाई। Yes. 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 Y
One eternity later. London Bridge Station जाएंगे, ठीक है? फिर वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे, पकड़ के हम जाएंगे साउथ एंड ऑन सी, वहाँ पे हम जाएंगे भाई बीच पे, और बीच के बाद हम आपको एक और जगह लेके जाएंगे जिसका नाम है एडवेंचर आइलैंड। हम ये दो जगह और जाने वाले हैं। अभी तक हमने आपको लंदन तक एक्सप्लोर करके दिखा दिया हुआ है, बट हम आपको बहुत ही जल्द साउथ एंड ऑन सी हम दिखाने वाले हैं। साउथ एंड ऑन सी एक लाइक एक डिफरेंट जगह, डिफरेंट लोकेशन है, हम वहाँ पे जाके आपको सब एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो भाई लोग देखो भाई, ओलंपिक्स के मैच देख रहे हैं भाई लोग, यहाँ पे देख रहे हो कितना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं यहाँ पे लोग। ये आ गया भाई इनका रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे साउथ एंड ऑन सी में। भाई वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि पहले तो हम एडवेंचर आइलैंड जाएंगे। एडवेंचर आइलैंड क्या चीज़ है वो मैं आपको भी बाद में बता दूंगा, वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल के लिए जो सीरीज़ है ना, मैं लंदन वैली जब तीन वीडियोज आने वाली थी उन्हें आपको शुरू में बता दिया था, ये वाली वीडियो ये यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अब जो सेकंड पार्ट है वीडियो का वो आप इसके बाद देख लेना, और मेक श्योर वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। चलो अब आपको अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय। बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी होगी हमारे साथ यूके में भाई, लंदन में बड़ी गंदी ट्रेजेडी होगी हमारे साथ। हम पिछले एक घंटे से यहाँ पे बैठे कि अब कोई आएगा भाई, सारे के सारे कैंसिल पे कैंसिल कर ही जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, कैन यू से सब्सक्राइब टू एएस व्लॉग्स ह्यूमन। जय